नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश के साथ इंदौर भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं इंदौर पुलिस की वेबसाइट को बदमाशों ने हैक कर लिया है। पाकिस्तानी हैकर्स ने इंदौर पुलिस की वेबसाइट को निशाना बनाते हुए कॉन्टैक्ट पेज को हैक कर लिया है। इस पेज पर पुलिस अधिकारियों के कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है। पुलिस की वेबसाइट हैक हो जाने से विभाग में हड़कंप मच गया है। अब पुलिस के आला अधिकारी साइबर एक्सपर्ट की मदद से डाटा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी हैकर्स ने इंदौर पुलिस की वेबसाइट को निशाना बनाते हुए उसे हैक कर लिया है। हैकर्स ने अधिकारियों के कॉन्टैक्ट डिटेल के पास मोहम्मद बिलाल और फ्री कश्मीर पाकिस्तान का संदेश चस्पा किया है। कुछ पुलिस अधिकारियों की तस्वीर पर आपत्तिजनक तस्वीरें भी चस्पा कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि इंदौर पुलिस की वेबसाइट को सर्च करने वाले किसी व्यक्ति ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। वेबसाइट हैक होने की जैसे ही आला अधिकारियों को जानकारी लगी, पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में साइबर विशेषज्ञों की मदद से पेज को ब्लॉक कराया गया। साइबर एक्सपर्ट पेज के डाटा को रिकवर करने में लगे हुए हैं। वहीं इंदौर आईजी हरिनारायण चौधरी मिश्र ने बताया कि वेबसाइट हैकिंग की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। वेबसाइट की एडिटिंग की जा रही है, साथ ही इस तरह के आगे हैकिंग ना हो इसको लेकर सिक्योरिटी फीचर्स भी बढ़ाए जाएंगे। साइबर एक्सपर्ट से भी जानकारियां लेकर वेबसाइट को अपडेट किया जाएगा। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इंदौर पुलिस की एक वेबसाइट को हैक किया गया है, जिसपे कई आपत्तिजनक उसमें बातें भी लिखी हैं, लेकिन उस पूरे मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। तत्काल संज्ञान में आते ही उस पूरे साइट को ब्लॉक कर दिया गया है और साथ ही साथ उसके सुरक्षा जो मानक हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही साथ उसे प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और आईपी एड्रेस के आधार पर जो भी आरोपी हैं उनकी पहचान सुनिश्चित करके उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें आईपीसी की धाराओं और साथ ही साथ आईटी एक्ट की धारा 4366 आईटी एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरीके के मैसेज चस्पा किए गए? मुख्य तौर पर किसी भी वेबसाइट में जाना, वहाँ पर डाटा चुराना, उस पर अटैक करना, ये सब संगीन अपराध है। और मुख्य तौर पर वेब की दुनिया में अगर देखें तो काफ़ी गंभीरता से लिए जाएंगे। तो इस तरह की किसी भी वेबसाइट को हैक करना, उस पर संदेश अपनी तरफ से अपलोड करना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध करके इसमें आईपी एड्रेस के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी। तो नाम भी आया कुछ सामने, क्या नाम है? नाम उसमें लिखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो नाम लिखा है संबंधित व्यक्ति ने अपना सही नाम लिखा हो। उसमें व्यक्ति की तकनीकी आधार पर जो जानकारियाँ हैं, तकनीकी जानकारियों के आधार पर सही पहचान सुनिश्चित करके कार्रवाई की जाती है और प्रकरण पंजीबद्ध करके पुलिस ने उसमें कार्रवाई आरम्भ कर दी। सर, इंदौर अलर्ट भी है और उसके बावजूद ऐसे मैसेज आना? मुख्य तौर पर वेबसाइट पर जानते हैं कि साइबर की दुनिया में कोई कहीं से भी कर सकता है। साइबर में पूरी दुनिया जो है एक छोटे से गांव की तरह है और उसमें इसमें तकनीक का प्रयोग करके पूरी दुनिया में कहीं भी बैठकर कोई इस तरह की वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। बहरहाल तकनीक में यह भी है कि अपराधी करने के बाद उसके जो फुट स्टैम्प होते हैं वो बचा नहीं सकता, कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं और उन तकनीकी जानकारियों के आधार पर पुलिस उन आरोपियों तक पहुंचेगी और उसके लिए उसने प्रयास आरंभ कर। सर, जैसा भी अलर्ट जारी है, सर अब किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी सर? क्योंकि दो पुलिस की आईडी हैक होना और पहली सर जो गृह मंत्री द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, मुख्य तौर पर जो एक पुलिस की उपस्थिति की बात है, पुलिस की मौजूदगी है, संवेदनशील स्थानों की चेकिंग है, संवेदनशील स्थानों का लगातार परीक्षण है, BDDS की टीम का एक्टिव होना है, पुलिस की लगातार संवेदनशील जगहों पर विजिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ये सारी चीज़ें बढ़ाई गई हैं। लेकिन साथ ही साथ यह जो मामला है उससे अलग है, ये मुख्यतः कोई भी व्यक्ति तकनीक का उपयोग करके इस तरह घटनाओं को करता है। बहरहाल पुलिस ने इसे भी गंभीरता से लिया है और जहाँ तक अलर्ट की बात है तो पुलिस निश्चित तौर पर शहर की सुरक्षा के मद्देनजर और आसपास के जिलों में भी सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस को ज़्यादा अलर्ट किया गया है। बिलाल जो है सर, उसको पहचान हो पाएगी बिलाल का नाम जो सामने? मुख्य तौर पर जो नाम है, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का नाम और पहचान उसमें दिए गए नामों के आधार पर करें। उसमें तकनीक में चूँकि बहुत सारी जानकारियाँ व्यक्ति छोड़ता है, साइबर में अपराध करना आसान है लेकिन उन साक्ष्यों को मिटा पाना बहुत मुश्किल है। जब भी कोई व्यक्ति साइबर की दुनिया में अपराध करता है तो कुछ न कुछ ऐसे पदचिन्ह छोड़ करके जाता है, उसके फुट स्टैम्प ऐसे छूट के जाते हैं जिसके आधार पर पुलिस उन तक पहुंच जाती है। इससे बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे आईपी एड्रेस, कुछ बहुत सारे जो तथ्यात्मक उसमें जो डाटा होते हैं उसके आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच जाएगी और बहरहाल पुलिस ने इसके लिए प्रयास आरम्भ कर दिया। डाटा नहीं, वेबसाइट को तुरंत ब्लॉक कर दिया गया। अभी बहरहाल उस पर जो वेबसाइट पर तत्कालिक तौर पर जो छेड़छाड़ की गई थी वो अभी दिशगत नहीं है
लेकिन आने वाले समय में उसको रिस्टोर करके और साथ ही साथ आरोपियों तक पुलिस पहुंचे। सर इन्वेस्टिगेशन का आईपी एड्रेस सर कहां से सर कोई सर्वर की जानकारी है कि सर्वर सब शुरू हो गए? इसमें वो सारी जानकारियां तकनीक रूप से मंगा करके उसे व्यक्ति जो भी इस तरह की छेड़छाड़ करता है उसकी जो तकनीक जानकारी है वो रजिस्टर्ड हो जाती है, उसे नहीं मिटाया जा सकता। उसकी जानकारी के आधार पुलिस स्टेप बाय स्टेप अलग अलग क्रम से आरोपी तक पहुंचती है। पुलिस ने उस दिशा में जैसा मैंने बताया है कि प्रयास आरंभ कर दिए। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।